Hello friends, welcome to my channel Deepika Meditation Power. I hope you are all fine. Friends, today मैं आपको एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि हमारी कंट्री में डे बाय डे बढ़ती जा रही है. ये एक मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल इलनेस है जिसे इलाज के द्वारा, ट्रीटमेंट के द्वारा पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है. पर फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री के लोगों को इस बीमारी के बारे में या तो पता नहीं है, या अगर पता है तो सही जानकारी नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और यदि पता भी है तो उसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं है. फ्रेंड्स, इस बीमारी का नाम है, इस डिजीज़ का नाम है सिज़ोफ्रेनिया. सिज़ोफ्रेनिया हमारे कंट्री में 20 से 24 इयर्स के यंगस्टर्स को भी हो रहा है. वैसे ये प्रॉब्लम किसी भी एज के इंसान को हो सकती है. आपने कभी ना कभी लाइफ में कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी फैमिली वाले लॉक में बंद कर देते हैं या उन्हें जंजीरों से, पिछले टाइम में उन्हें जंजीरों से बांध के रखा जाता था, क्योंकि ये कहा जाता था कि उन्हें कोई दैवीय आत्मा आ गई है या उनके अंदर कोई भूत प्रेत का साया है या उन्हें कुछ काल्पनिक आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई शैतान आ गया है. फ्रेंड्स, सिज़ोफ्रेनिया एक मेंटल इलनेस है, मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि हमारे ब्रेन में बनने वाले केमिकल्स के इम्बैलेंस होने की वजह से होती है. इसके कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट जो है उसे शक करने की ज़्यादा बीमारी हो जाती है, हर बात पे वो शक करता है. जैसे कि आपने उसके खाने में, उसके फैमिली वालों ने उसके खाने में जहर मिला दिया हो, या उसके फैमिली वाले या उसके पड़ोसी या उसके आसपास के जो भी लोग हैं वो उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं. उसे ऐसा लगेगा रेडियो में उसके बारे में बात की जा रही है, टीवी में उसके बारे में बात की जा रही है, उसे कुछ काल्पनिक आवाज़ें सुनाई देंगी, उसे ऐसा लगेगा कि उसके पीछे कोई पड़ा है, कोई साया उसे दिख रहा है, कोई शैतान उसका पीछा कर रहा है. या कुछ लोगों की मेमोरी लॉस हो जाती है, लोगों को, इन पेशेंट्स को भूख नहीं लगती है, इनका किसी भी कार्य करने में मन नहीं लगता है, हमेशा लेजीनेस रहती है, थकावट रहती है, किसी से बात करने का इनका मन नहीं करेगा. और दूसरा, आम भाषा में इन्हें पागल करार दे दिया जाता है, तो इनके सपोर्टर्स बहुत कम होते हैं, तो इस वजह से इस नेगेटिविटी के कारण इनकी जो प्रॉब्लम है, इनकी जो बीमारी है वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि फैमिली वालों को सही जानकारी नहीं होती है, तो इस वजह से वो उन्हें समझते हैं कि ये इस बीमारी का कोई शायद इलाज नहीं है, इसके अंदर कोई दैवी आत्मा आ गई है, कोई प्रेत घुस गया है. हम इन अंधविश्वासों के चक्करों में पड़े रहते हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट ना देकर जादू टोना या किसी अन्य तरह की चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं. और उस पेशेंट के अंदर सपोर्ट ना होने के कारण एक नेगेटिविटी आती जाती है, जिससे कि उसको भी ये महसूस होने लगता है कि शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा. और ऐसे पेशेंट्स को कोई भी सेंस नहीं होती, उनमें सेंसेस काम नहीं करती हैं, तो उनकी फैमिली वालों को उनका सपोर्टर बनना चाहिए, उन्हें उनके अंदर एक पॉजिटिविटी लानी चाहिए कि हाँ, हम आपको ठीक करवाएंगे या ठीक करेंगे, और उन्हें जल्दी से जल्दी इलाज करवाना चाहिए. जितनी जल्दी इस बीमारी का इलाज स्टार्ट होता है
उतनी ही जल्दी पेशेंट रिकवर कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप इस बीमारी को समझेंगे और बेकार के अंधविश्वासों में पड़ने के बजाय आप इस तरह के पेशेंट्स को, उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे और उन्हें सही ट्रीटमेंट की ओर ले जाएंगे। और आम भाषा में हम ऐसे लोगों को पागल करार दे देते हैं, इसीलिए उन्हें या तो लॉक में बंद कर दिया जाता है या उनके पैरों में बेड़ियां बांधकर उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया जाता है। परंतु उनके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। ये समझने की बहुत बड़ी जरूरत है हमारे लोगों को, हमारे समाज को, और ऐसे लोगों की फैमिलीज को जिनके अंदर ऐसे पेशेंट्स हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें पागल बोलना सबसे पहले बंद करें और उनका प्रॉपर इलाज करवाएं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका पूरी तरह इलाज किया जा सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई, अगर आपकी फैमिली में किसी की ऐसी हिस्ट्री पहले से रही हो तो आने वाली पीढ़ी में भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, या आजकल की सोसाइटी के उसमें ये स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या बचपन में, टीनेज में मोटिवेशन की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, उसके कारण भी ये बीमारी आपको हो सकती है। फ्रेंड्स, ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। सही जानकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए, क्योंकि वह भी हमारी सोसाइटी का पार्ट हैं, किसी की फैमिली के का हिस्सा हैं। तो हमें ये ज़रूरत है कि हम इस बीमारी को पहचानें और सही टाइम पर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उन सिम्टम्स को पहचान कर उस पेशेंट की हम हेल्प करें, ताकि वो भी एक हैप्पी ज़िंदगी जी सके और एक नॉर्मल लाइफ को जी सके। सिज़ोफ्रेनिया हमारी कंट्री में 1% लोगों को हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में पता चल सके और आम भाषा में पागल कहे जाने वाले लोगों को हम पागल ना कहकर एक पेशेंट की नज़र से देख सकें और उन्हें एक नॉर्मल लाइफ की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीपिका मेडिटेशन पावर। कीप स्माइल, स्टे फिट, सेव वाटर। थैंक यू वेरी मच।